नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुख करते हैं फटाफट खबरों का। एसवाईएल को लेकर गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि पानी है या नहीं ये मुद्दा विचाराधीन ही नहीं था। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस और चर्चा हो चुकी है। पंजाब अपना पक्ष रख चुका है। अनिल विज ने कहा कि यह सब सुनने के बाद ही कोर्ट ने अपना फैसला दिया था कि अब नहर बनाई जाए। अब मसला यह है कि नहर कैसे बनाई जाए, उसे पंजाब या हरियाणा बनाए या केंद्रीय एजेंसी बनाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपना हक मजबूती से रखने की बात कही, जिसे लेकर विज ने कहा कि उन्हें आश्वस्त रहना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री पूरे पक्ष को मजबूती के साथ रख रहे हैं। दिल्ली में मंथन के बाद हरियाणा बीजेपी ने की नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति। अंबाला में राजेश बतौरा, करनाल में योगेंद्र राणा और सिरसा में आदित्य देवीलाल को बनाया गया बीजेपी का जिलाध्यक्ष। वहीं यमुनानगर में राजेश खापड़ा, कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी, कैथल से अशोक डांग और जींद से राजू मोर की जिलाध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की गई। सभी को कुछ दिनों बाद संगठन में पदों की जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को बधाई दी है। ट्वीट कर लिखा, मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने कार्यकाल को सफल बनाते हुए पार्टी को और ज्यादा मजबूती के साथ सफलताओं की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। हरियाणा बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं, जिसमें योगेंद्र राणा को करनाल जिले का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष चुने जाने पर योगेंद्र राणा ने पार्टी का धन्यवाद किया, साथ ही पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने की बात कही। पंचकूला से बीजेपी के जिलाध्यक्ष नियुक्त होने पर अजय शर्मा को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। अजय शर्मा ने पार्टी जिलाध्यक्ष बनने पर शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। चंडीगढ़ में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने शुगर मिल के उत्पाद लॉन्च किए। नए उत्पादों में इक्षु नाम से चीनी के 1 किलो और 5 किलो के पैकेट बनाए गए, जो कि बाजार के भाव से कम दामों पर बेची जाएगी। आपको बता दें कि शुगर मिलों को घाटे से उबारने के लिए फैसला किया गया। जानकारी के अनुसार शुगर मिल के उत्पादों को होटल और रेस्टोरेंट में उपलब्ध करवाया जाएगा। बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदित्य देवीलाल सिरसा पहुंचे। पूर्व जिलाध्यक्ष यतेंद्र सिंह एडवोकेट के कार्यालय में बीजेपी नेताओं से मुखातिब हुए। कार्यालय पहुंचने पर यतेंद्र सिंह एडवोकेट ने उनका स्वागत किया। अपनी नियुक्ति पर आदित्य देवीलाल ने पार्टी के शीर्ष और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निभाएंगे, पार्टी को और ज्यादा मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आदित्य देवीलाल पार्टी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं, इसके साथ ही डबवाली विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। सिरसा लोकसभा की सांसद सुनीता दुग्गल ने कई गांव में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया और ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुना। सांसद सुनीता दुग्गल ने गांव हसंगा और दादूपुर में लगभग 1 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। सांसद ने गांव दादूपुर में पौधारोपण भी किया और ग्रामीणों से पर्यावरण संरक्षण की अपील की। बताया कि जल्द ही रतिया के लोगों को पीने के लिए नहरी पानी मिलेगा, जिसको लेकर 50 करोड़ रुपए की लागत से वाटर परियोजना तैयार की जा रही है। फतेहाबाद में अचानक मौसम में बदलाव होते ही तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश की वजह से गर्मी से परेशान लोगों को काफी राहत मिली है। मौसम विभाग की ओर से पहली बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। सोनीपत में दिन में अंधेरा छा गया। रोड पर दिन में लाइट जलाकर के गाड़ी चलाने को लेकर मजबूर हुए वाहन चालक। बारिश की वजह से लोगों को उमस से राहत मिली। गुरुग्राम में हुई तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ। नेशनल हाईवे से सटे सर्विस रोड पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई घंटे तक हुई तेज बारिश के चलते जलभराव से सड़कों पर खड़ी कई कारें डूब गई पानी में। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने जलभराव से निपटने के इंतजाम नहीं किए थे। गुरुग्राम में निगम कमिश्नर ने जलभराव वाली जगहों का दौरा किया और अधिकारियों से जानकारी ली। बारिश के बाद गुरुग्राम के कई इलाकों में जलभराव की समस्या हो गई है। निगम कमिश्नर ने कहा कि जल्द ही पानी निकाला जाएगा। निगम कमिश्नर ने कहा कि गुरुग्राम में ज्यादा बारिश आने के कारण ऐसे हालात हुए। हालात पर तुरंत काबू पाया गया। अभी तक 95% पानी को बाहर निकाला गया। शहर की सभी सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य किया गया।
कोरोना की स्थिति को देखते हुए सख्त हुई एसपी संगीता कालिया, कहा अभी खत्म नहीं हुई कोरोना बीमारी, मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। एसपी ने लोगों से कहा कि भीड़ जुटाने और मास्क न पहनने के चालान काटे जाएंगे, साथ ही आम लोग चालान काटने पर पुलिसकर्मियों की शिकायत मांग रहे हैं। एसपी शशांक कुमार ने पुंडरी थाने का औचक निरीक्षण किया। शशांक कुमार ने मालखाना और रिकॉर्ड की जांच की, इसके साथ ही थाने में पहुंचे लोगों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान शशांक कुमार ने लोगों की शिकायतों को सुना। लोगों ने शिकायत की गांव और कस्बा के अंदर जगह जगह अवैध शराब बिक रही है, इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। एसपी ने विश्वास दिलाया कि वो जल्दी इस पर संज्ञान लेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। द्वाना नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सुनील मेहता के बेटे आकाश मेहता का विश्व बैंक में बतौर मैनेजर चयन हुआ है। 25 साल की उम्र में ऐसी कामयाबी हासिल करने वाले वे पहले भारतीय बने। सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार के लिए विनेश फोगाट का चयन हुआ, इसके बाद विनेश के गांव बलाली में खुशी का माहौल है। परिवार ने लड्डू बांटकर खुशी जताई, कहा कि बेटी पर गर्व। केंद्र सरकार सेंट्रल सेक्टर स्कीम से किसानों के कायापलट करने जा रही है। इस स्कीम को प्रभावी ढंग से फील्ड में उतारने के लिए जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का गठन उपायुक्त की अध्यक्षता में किया गया। जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी में डीजीएम, नाबार्ड, लीड बैंक मैनेजर, कृषि, बागवानी, कृषि विज्ञान केंद्र, मछली पालन इत्यादि विभागों के सदस्य शामिल किए गए, जो कि अपने अपने प्रदेश में या अपने अपने क्षेत्र में किसान उत्पादक समूह बनाने जा रहे हैं। नूह जिले के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर फलों के बाग लगाने पर जोर दे रहे हैं। बरसात के सीजन में बागवानी विभाग जिले के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए फलों की खेती के पौधे निःशुल्क वितरण कर रहा है। बागवानी विभाग की तरफ से 85% और सूक्ष्म सिंचाई यानी कि ड्रिप सिस्टम लगाने वाली कंपनी 15% खर्च करती है। किसान को महज जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। जिला बागवानी अधिकारी ने कहा कि जिले में तकरीबन 300 एकड़ जमीन में फलों के बाग लगाए जा रहे हैं। इंद्री में फर्जी कंपनी बनाकर लोन दिलाने के मामले में लोगों से लाखों रुपए ठगी करके कंपनी के संचालक मौके से फरार हो गए। लोगों ने पुलिस को शिकायत दी, पुलिस ने कंपनी के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। लोगों का आरोप है कि कंपनी के लोगों ने 1 लाख रुपए लोन दिलाने के नाम पर उनसे पैसे ठग लिए, लेकिन लोन नहीं दिया गया। ठगी का खुलासा होने पर आरोपी मौके से भाग गए। सोनीपत में चालान करने का पुलिस का नायाब तरीका सामने आया। कागजात पूरे होने के बाद भी बाइक सवार का चालान काट दिया गया। युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। डीएसपी ने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं था। वीडियो में युवक कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसके पास सभी कागजात हैं, तो चालान किस बात का किया जा रहा है? पुलिस कर्मचारी कह रहा है उनके कहने के बाद मोटरसाइकिल नहीं रोकी गई, इसी बात का चालान किया जा रहा है। सोनीपत पुलिस अब रिश्वत नकदी में नहीं बल्कि पेटीएम से लेने लगी है। शहर के लोगों से किन्नरों का सहारा लेकर पुलिस ने पैसे ऐंठने का नया खेल शुरू किया। पुलिस पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि पुलिसकर्मी किन्नर को आगे कर वाहन चालक को रुकवाता है और फिर छेड़छाड़ के झूठे आरोप लगाकर समझौते के नाम पर पैसे ऐंठता है। स्कूटी सवार से पुलिस ने कार्रवाई का डर दिखाकर 2000 रुपये वसूले। मामला एसपी तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत डीएसपी को एक दिन में जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गोहाना के मंगलपुरा गांव में दूध विक्रेता से हुई 7 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी सोनू और अजय हसनगढ़ गांव के रहने वाले हैं और पिछले 1.5 साल से दुकान पर ही काम कर रहे थे। आपको बता दें कि 17 अगस्त को सुबह 3 बदमाशों ने बंदूक के दम पर दूध विक्रेता से 7 लाख रुपए की लूट की थी। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिसार के बरवाला में पत्नी के साथ गांव के 2 युवकों ने दुष्कर्म करने से आहत होकर के 28 साल के पति ने 26 साल की पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी और खुद फांसी लगा ली। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया। वारदात की सूचना मिलने पर डीएसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस की टीम ने मौके का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतका के भाई के बयान के आधार पर गांव के 2 युवकों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने, दुष्कर्म करने समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया।
इंद्री में बीजेपी नेता की कंपनी से ट्रैक्टर चोरी होने का मामला सामने आया। इसकी शिकायत कंपनी मालिक ने पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर ट्रैक्टर को गांव धूमसी से बरामद किया। कंपनी मालिक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कंपनी में रोजाना की तरह ट्रैक्टर खड़ा था, लेकिन रात को ट्रैक्टर चोरी हो गया। इसमें जीपीआरएस लगा हुआ था, जिससे ट्रैकिंग करने के बाद ट्रैक्टर को गांव धूमसी में पाया गया। दुबई में रहने वाली एक महिला ने ईमेल के जरिए सोनीपत पुलिस को दुष्कर्म की शिकायत भेजी है। कुंडली औद्योगिक इलाके में मौजूद एक फैक्ट्री के मालिक पर 6 महीने पहले दुष्कर्म करने के आरोप लगाए। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वो फैक्ट्री में काम करती थी, इसी दौरान फैक्ट्री मालिक ने उसके साथ रेप किया और अश्लील वीडियो भी बनाया। साथ ही पीड़िता ने आरोप लगाए हैं कि आरोपी अश्लील वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करता था। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पानीपत में इसराना के बांध गांव में दो पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग हुई। दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग में दो युवकों की मौत होने की खबर है। लघु सचिवालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सिरसा के जनता अस्पताल से चोरी बच्ची बरामद कर ली गई है। पुलिस ने अभूली गांव में बच्ची को एक दंपति से बरामद किया। निसंतान है दंपति, बच्ची को गोद लेने की बात। दंपति ने बताया कि आशा नाम की एक महिला उन्हें इस बच्ची को सौंप करके गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला की तलाश कर रही है। फरीदाबाद की सुभाष कॉलोनी में अवैध शराब बिक्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला अपने घर से खुलेआम शराब की बिक्री करती हुई नजर आ रही है। जुलाना में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे पर पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा पत्ती के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रोका, जिसमें 270 किलो गांजा पत्ती बरामद की गई। महेंद्रगढ़ के गांव की रहने वाली एक 14 साल की युवती को संदिग्ध हालत में मौत के मामले में मुहिम तेज हो गई है। न्याय दिलाने की मुहिम में अब इलाके के लोग लामबंद होने लगे हैं। उन्होंने मामले में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि गांव डोंगड़ा अहीर की नाबालिग बेटी के साथ नोएडा के गुरुकुल में हुई घटना की निंदा करते हैं और यूपी के सीएम से मांग करते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो। महेंद्रगढ़ के देवास गांव के शिक्षक की नहर में कूदकर आत्महत्या के मामले में पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस की स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सुसाइड नोट में मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक शिक्षक ने सुसाइड नोट में प्रिंसिपल पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। टोहाना में चंडीगढ़ रोड पर एक व्यक्ति की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर कुछ सवाल उठाए हैं। मामले में दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की गई। 5 राज्यों को जल आपूर्ति करने वाले हथिनीकुंड बैराज की हालत खराब है। सेंट्रल वाटर एंड पावर एसोसिएशन की स्टडी रिपोर्ट ने सर्वे किया, जल्द ही बैराज की मरम्मत का काम होगा। सोम नदी के उफान पर आने से यमुना नगर के 2 दर्जन से ज्यादा गांव पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कई जगह पानी के किनारे तोड़कर गांव में जा घुसा, सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो गई। भूमि कटाव के चलते लोगों की करोड़ों की जमीन नदी में आ गई। जिला उपायुक्त ने विभागों के अधिकारियों के साथ प्रभावित गांव का दौरा कर हालात का जायजा लिया, तुरंत राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही कई इलाकों में बिजली व्यवस्था पर भी असर पड़ा है, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद के आधा दर्जन गांव में मारकंडा नदी के पानी में ने तबाही मचा दी है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। गांव काटवा में नदी के पानी से सैकड़ों एकड़ धान की पौध जलमग्न हो गई, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई। लोगों का कहना है कि बरसाती पानी से फसल बर्बाद होने के साथ साथ आने जाने पर भी असर पड़ रहा है। ज्यादा पानी होने के चलते उन्हें परेशानी हो रही है। यमुनानगर के कलेसर नेशनल पार्क में एक बार फिर से गजराज का तांडव देखने को मिला, जहां पर कलेसर रोड पर जा रहे एक बाइक सवार ने डर के चलते अपनी बाइक रोड पर छोड़ दी, तो हाथी ने बाइक पर लदे सामान को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, बाइक को भी घसीटा। हाथी के गुस्से की सरकत के चलते रोड पर जाम लग गया और वहां पर मौजूद लोगों ने हाथी की सरकत का वीडियो बना लिया। एक्टर सुशांत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दिए मुंबई पुलिस की जगह पर सीबीआई से मामले की जांच के आदेश। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सीबीआई को सहयोग करने के लिए कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की एफआईआर को भी सही बताया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार को मामले की जांच का पूरा अधिकार है। कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा है कि उन्हें सीबीआई पर पूरा विश्वास है। वहीं बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। प्रदेश में 48,936 कोरोना पॉजिटिव केसेस, अब तक 41,298 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 557 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 896 केस मिले।
यमुनानगर में कोरोना के 88 नए मामले सामने आए। सीएमओ ने बताया कि अब तक 29,773 सैंपल लेकर के भेजे गए, 27,993 सैंपल नेगेटिव आए हैं। अब जिले में कोरोना के कुल 461 एक्टिव केस हैं। संक्रमित मरीजों में पुलिस कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। कोरोना संक्रमण के चलते अब तक जिले में कुल 953 मामले सामने आए, जिनमें से 889 यमुनानगर के और 64 बाहर के। 477 मरीजों ने कोरोना को मात दी। नूंह जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। इसके अलावा 12 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया। कोरोना के कारण अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा पुलिस के डीजीपी कार्यालय में मिले 12 कोरोना पॉजिटिव मामले, 2 दिन के लिए डीजीपी ऑफिस बंद। रोहतक के जिला उपायुक्त आरएस वर्मा को कोरोना हो गया है, घर पर ही उन्हें क्वारंटीन किया गया। संपर्क में आ रहे लोगों की भी जांच की जा रही है। सिरसा में कोरोना के 18 नए मामले सामने आने से प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब तक जिले में सामने आए कोरोना के 823 केस, अभी भी 372 केस एक्टिव हैं। पंचकुला में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। एक दिन में सामने आए कोरोना के 110 नए मामले, कालका, पिंजौर और नानकपुर से ज्यादा मामले सामने आए। हांसी में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में सामने आए 12 मामले, एक ही इलाके से मिले 9 मरीज। करनाल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को बढ़ा दिया। जिले में 77 कोरोना के नए पॉजिटिव मामले सामने आए, मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री जानने में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने जींद हिसार, केथल और रोहतक के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन की अहम बैठक लिए कोरोना को लेकर चर्चा की। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि एनसीआर में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन जींद, कैथल और हिसार में इसकी संख्या ज्यादा नहीं है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए काम करें। पूरी दुनिया में कोरोना जमकर तबाही मचा रहा है। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या 2,22,95,174 हो गई है। अब तक 7,87,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में एक दिन में सामने आए 43,925 नए केस, कुल मरीजों की संख्या हुई 56,55,900। अब तक 1,75,000 से ज्यादा की मौत हुई। कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील, 24 घंटे में सामने आए 48,637 मामले, कुल मरीजों की संख्या हुई 34,11,872 एक्टिव केस, 7 लाख से ज्यादा। रूस में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 9,32,493। अब तक 15,872 की मौत हुई। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से दहशत का माहौल, अब तक कोरोना से 12,264 मरीजों की मौत, कुल मरीजों की संख्या हुई 5,92,144। पाकिस्तान में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार, कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,89,832। अब तक 6,190 मरीजों की मौत। देश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 65,024 नए केस, 1,099 लोगों की मौत, देश में मरीजों की संख्या बढ़कर 27,66,626। कोरोना के मामलों पर पहले नंबर पर महाराष्ट्र, एक दिन में सामने आए 11,219 नए केस, 121 मरीजों की मौत, अभी भी 1,56,608 एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई है, 24 घंटे में 121 मरीजों की मौत हुई है, 5,709 मरीज सामने आए हैं, कुल मरीजों का आंकड़ा 3,49,654 पर पहुंच चुका है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार चला गया, एक दिन में मिले 9,652 केस, अभी भी 85,130 केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में भी नहीं थम रही कोरोना की स्पीड, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 1,62,434, अब तक 2,585 मरीजों की मौत। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज, एक दिन में सामने आए 1,374 नए केस, दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या हुई 1,54,741। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनावों को लेकर के डेमोक्रेटिक पार्टी ने औपचारिक तौर पर जो बिडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया है। जो बिडेन वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में चुनौती देंगे। अमेरिका के कई इलाकों में जो बिडेन को अच्छा समर्थन मिल रहा है। भारत चीन सीमा के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर के पाकिस्तान के दौरे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचेंगे, दौरे के लिए तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। इब्राहिम बाउबकर को विद्रोहियों ने बंधक बना लिया था, यूनाइटेड नेशन ने की रिहाई की मांग।